बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटरवे पे कॉनवाय असेंबलिंग पास पर जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए बनाते हैं, और उसका बुनियादी मकसद लोगों के जान और माल को महफूज रखना होता है। और बुनियादी मकसद मोटरवे पुलिस का जो जीरो एक्सीडेंट है उनको मंजिल मकसूद पे पहुँचाना है। और इसके लिए हम नॉर्मली जब विजिबिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है, 60 से 70 या 100 विजिबिलिटी तक हो जाती है, तो कॉनवाय असेंबलिंग हम रामी टॉल प्लाजा पे करते हैं। और कॉनवाय को रूटीन में ट्रैफिक को सिर्फ उसी वक्त और उसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल रूटीन में हो जाती है, फिर जो कम्यूटर्स हैं उनको ईजी कर दिया जाता है। और इससे पहले जो कॉनवाय की बुनियादी SOP है वो एक ख़ास महफूज फासले पर हम उनको महफूज ब्रीफिंग देते हैं पहले, दूसरा उसमें उनको महफूज रहने का तरीकाकार बताया जाता है, तीसरा उसमें किस स्पीड के साथ कॉनवाय ने मूव करना है वो बताया जाता है, रास्ते में आने वाली इंटरचेंजेस या उनकी मनाजिर वहाँ से कैसे उन्होंने कॉनवाय से एग्जिट करना है वो बताया जाता है, अगर कॉनवाय के दरमियान में कहीं कोई गाड़ी ख़राब हो जाए उसे बताया जाता है, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करने हैं, उसमें डिफॉगर्स कैसे यूज़ करने हैं, उसमें हीटर कैसे यूज़ किया जाना है, डबल इंडिकेटर कैसे यूज़ करने हैं। कॉनवाय में उन्होंने सबसे बेहतर ये तरीकाकार सेफ रहने का क्या है, ये तमाम चीज़ें बताई हैं। कॉनवाय के दौरान ट्रैफिक को या कम्यूटर्स को डिसिप्लिन करने के लिए हर कम्यूटर को हम ब्रीफिंग है, उसमें सबसे आगे हम वो वाली गाड़ियाँ लगाते हैं जिनकी मनाजिल सबसे दूर होती हैं, फिर जिनकी मनाजिल नज़दीक तरीन होती है उनको एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखा जाता है ताकि जिस जिस का इंटरचेंज आता जाए वहाँ से वो एग्जिट करता जाए। और इसमें सबसे अहम बात ये होती है कि जो हमारी आगे मोटर पुलिस की मोबाइल खड़ी होती है उनको बता दिया जाता है कि कोई भी कॉनवाय को अगर ब्रेक करके आगे जाएगा उसे रोकेंगे भी, उसको जुर्माना भी सबसे बड़ा करेंगे, और कॉनवाय गुजरने के बाद कम से कम आधा घंटा बाद उनको रवाना करेंगे ताकि आइंदा वो कॉनवाय का डिसिप्लिन ना तोड़ें और किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो पाए।